मेरे प्यारे बच्चे, अब भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुमने कभी सोचा नहीं था वो अब तुम्हारे साथ होने जा रहा है। घबराएं नहीं, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त सबसे पहले लाइक और टाइप करें। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस मत करना और शुरू से अंत तक इसे जरूर देखना। मेरे प्यारे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है, इसे मत छोड़ना। बिल्कुल अपने हाथ से जाओ और मेरे शब्दों को पढ़ो। कृपया ध्यान से सुने, क्योंकि आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, लेकिन कुछ सावधानियां भी हैं जिन्हें अपनाकर आप अपना जीवन सफल बना सकते हैं और भगवान भोलेनाथ का पहला आशीर्वाद पाने के लिए महादेव जी के संदेश को अभी सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान भोलेनाथ अब वो तुम पर मेहरबान हो गए हैं, इसलिए आज से तुम्हारे जीवन में खुशखबरी की बारिश होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, आपने अपने जीवन में बहुत सी चीजें देखी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, भोलेनाथ के बताए रास्ते पर चलने के लिए एक एक करके टाइप करो। सच्चे भक्त इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान तुम्हारे अच्छे कर्मों को देखकर तुम्हें हमेशा अच्छे रास्ते पर ले जाते हैं। मेरे प्रिय भक्त, आज एक छोटी सी समस्या है, तुम्हें इससे कभी घबराना नहीं चाहिए। एक दिन ऐसा समय आएगा जब तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो मेरे पास तुम्हारे लिए है। मैं इसे पूरा कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे बताए रास्ते पर चलना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से विश्व का कल्याण हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत दयालु हो और स्वाभिमानी हो। आप लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं और कई लोग इसका फायदा भी उठाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातों से परिचित कराऊंगा और तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा, जिससे तुम एक अच्छे और बुरे व्यक्ति को पहचान सकोगे। किस इंसान की सबसे पहले मदद की जानी चाहिए और किसकी आलोचना की जानी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपको यही बताने जा रहा हूँ, कृपया इसे पूरे ध्यान से सुने। आपको जीवन में पहली बार इतना महत्वपूर्ण संदेश मिला है, और यदि आप इस बार मौका चूक गए तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, वो व्यक्तित्व तुमसे बहुत कुछ छिपा रहा है। वो शख्स बहुत खास होता है जिससे आपने एक वक्त में बेइंतहा प्यार किया हो। मैं तुमसे प्यार करता था। आज महादेव जी आपको एक संदेश के रूप में एक वीडियो के माध्यम से उनके बारे में एक सच्चाई बताने जा रहे हैं। जिस शख्स ने आपको छोड़ा, उसने आपको यूं ही नहीं छोड़ा। इसके पीछे एक वजह है, वो शख्स आज भी आपसे दिल से प्यार करता है। वो व्यक्ति अब भी मानता है कि आपको छोड़ना और आपको धोखा देना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, और वो ये भी जानता है कि आप जैसा कोई उसके जीवन में नहीं आएगा। इसीलिए वो पछताता है, क्योंकि उसने कई बार आपकी पीठ पीछे ऐसा किया है। उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया, वो चाहकर भी आपको नहीं बता सकता। मेरे बच्चे, वो सोचता है कि तुम अब भी मुझसे नफरत करते हो, इसीलिए वो व्यक्ति तुम्हें अपनी सच्चाई नहीं बता पाता। अगर आप उसकी सच्चाई जान लेंगे तो आपके दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। नफरत अब नहीं रहेगी। मैं बता नहीं पा रहा हूँ, ये सोच कर कि तुम अब भी मुझसे नफरत करते हो, तभी तो वो आज भी छुप छुप कर रोता है। और वो रोता है क्योंकि मैंने तुम्हें छोड़ कर किसी और का हाथ थाम लिया, पीठ पीछे उसने तुम्हें रुलाया है, बाद में वो किसी और से मिलने चला जाता था। मेरे बच्चे, ये सब बातें उसे अंदर से परेशान कर रही हैं। वो तुम्हें पूरी सच्चाई बताकर तुम्हें स्वीकार करना चाहता है, लेकिन शायद तुम्हारे दिल में उसके लिए नफरत है, इसीलिए वह है। मैं आपको कुछ भी बताने में सक्षम नहीं हूँ। अगर वो रो रहा है, मेरे बच्चे, अगर तुम भी उसे दिल से प्यार करते हो, तो कृपया मेरे इस संदेश को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में मेरा लकी नंबर 333 लिखकर मुझे मंजूरी दो। मेरे बच्चे, उसका जीवन अंधकार में डूबा हुआ है। वह तुम्हें अपनाना चाहता है, लेकिन उसे तुम्हारी परवाह नहीं है। वह तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन वह बता नहीं सकता, क्योंकि वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता है। वह तुम्हें और अधिक दर्द नहीं देना चाहता है, इसीलिए वो खुद दर्द में जी रहे हैं बच्चा, और हर पल उसे बस एक रोशनी का इंतजार रहता है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अलावा उसकी जिंदगी में कई लोग आ चुके हैं,
लेकिन ऐसा नहीं है। अब वो बिल्कुल अकेले हैं। उनके परिवार के अलावा अब कोई भी उनका साथ नहीं देता। अब वो अपने लिए अपने परिवार द्वारा लिए गए निर्णयों का पालन करता है। वो स्वयं कोई भी निर्णय नहीं ले पाता है और कभी कभी वो उन लोगों के बारे में सोचता है जिन्होंने उसे आपके साथ मुक्त होने में मदद की। यही कारण है कि वो अभी भी आपके साथ है। वो उन लोगों के लिए रोता है जिनके लिए उसने किसी और का हाथ पकड़ा था। ये तथ्य कि तुम्हारे रहते हुए उसने किसी और का हाथ पकड़ा था अभी भी उसे चैन से सोने नहीं देता, मेरे बच्चे। और वो शख्स अब भी उनकी जिंदगी में है, लेकिन वो शख्स नहीं है। उसे किसी से प्यार नहीं है, इसलिए आज वो बिल्कुल अकेला है। वो तुम्हें अपनाना चाहता है, लेकिन वो किस दिल से तुम्हारे पास आएगा? अगर वो आ भी गया तो तुम उसे माफ नहीं करोगे, क्योंकि वो तुम्हें छोड़कर चला गया है। लेकिन महादेव जी कहते हैं कि कहीं न कहीं तुम्हारा अतीत ही तुम्हारा है, और उसे लगता है कि तुम उससे बहुत प्यार करते थे। तुमने उसे बहुत प्यार दिया, मेरे बच्चे। तुमने उसे गलत समझा, इसलिए उसे किसी और का हाथ पकड़ना पड़ा, और यह उसकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब उसने ऐसा नहीं किया तो किसी और का हाथ नहीं था वहाँ। मैं, लेकिन वो शख्स किसी और का हाथ था, इसलिए इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरे बच्चे। यह एक अपराध है। महादेव जी कहते हैं कि व्यक्ति को जीवन में कुछ फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए, लेकिन उसने बिल्कुल भी सोच विचार कर नहीं लिया, इसलिए आज उसे पछताना पड़ता है। अब उस व्यक्ति के पास रंग के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आपने उसे छोड़ दिया है, और अब आपको उससे कोई उम्मीद नहीं है, और अब आप ये भी नहीं चाहते कि वो आपके जीवन में वापस आए। जब वो आपके साथ था तो आपने उसके बारे में तमाम सपने देखे थे, लेकिन वो व्यक्ति कभी भी आपके बारे में सकारात्मक नहीं था। वो हमेशा आपको कठपुतली समझता था। उसने अपना काम पूरा करने के लिए आपसे व्यवहार किया, इसलिए आपको दोबारा उसका हाथ भी नहीं पकड़ना चाहिए। मैं तुमसे हमेशा झूठ बोलता आया हूँ। जब भी कोई बात तुम्हारे पास आती है तो यही तुम्हें समझाने की जगह होती है, उसे छिपाने की कोशिश की जाती है, तुम पर झूठा आरोप लगाया जाता है, तुम पर गुस्सा किया जाता है, तुम पर चिल्लाया जाता है। तो मेरे बच्चे, तुम क्या बात कर रहे हो आज के बारे में? अब वो उस व्यक्ति के बारे में सोचेगा जिसने आप पर झूठा आरोप लगाया और आपको छोड़कर किसी और के पास चला गया। वो कभी किसी और से प्यार नहीं कर पाएगा। जो तुमसे प्यार करता है उसके दिल में तुम्हारे लिए जो जगह है वो कोई और है नहीं भर सकता। ये सिर्फ तुम्हारे लिए था और सिर्फ तुम्हारे लिए था, मेरे बच्चे। अब वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वो तुम्हारे साथ घर बसाना चाहता है और बाकी समय खुशियों और सत्संग में रहना चाहता है जिंदगी, लेकिन वो आपके सामने नहीं आ पाता। वो बात नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उसने जो गलती की है उसके बाद आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए वो आपके पास नहीं आ रहा है। उसे ये भी डर है कि अगर वो आपके पास आएगा तो आपके साथ जाएगा, इसलिए वो आपको छोड़ देगा। अगर आप उसे अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे अपनी गलतियां सुधारनी होंगी, कई रिश्ते खत्म करने होंगे जो आपको उससे दूर ले गए। आपकी भावनाओं को समझना होगा, आपका सम्मान करना होगा, आपकी सेवा करनी होगी और आपसे प्यार करना होगा। और ये बात वो अच्छे से जानता है, इसीलिए सबसे पहले वो उस इंसान को छोड़ना चाहता है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच संपर्क में बाधा आ रही है। इसलिए वो पहले उस इंसान को छोड़ेगा, उसके बाद वो आपके पास प्रपोजल लेकर आएगा और साथ रहेगा फिर से तुम्हारे साथ। रिश्ते की शुरुआत करने के लिए वो दोबारा आपकी जिंदगी में आएगा। वो तुम्हें हर पल याद करता है। वो हालातों में इतनी बुरी तरह फंस गया है, वो हर तरह से फंसा हुआ है। अब पहले वो कई स्थितियों से बाहर आएगा और फिर आपके पास आएगा, और इस बार आप उसे एक अलग नजरिए से देखेंगे। उसका व्यवहार बिल्कुल अलग होगा। वो हमेशा आपका ख्याल रखने का वादा करेगा, आपसे कभी बुरा नहीं बोलेगा, आपका ख्याल रखेगा और आपको नई ऊर्जा की किरण दिखाएगा। आपकी हर बात सुनेंगे, आपसे अच्छे से बात करेंगे। वो आपको कोई भी बुरा शब्द नहीं कहेगा। इस बार वो आपको एक खुशहाल जिंदगी देना चाहता है, आपको खुशी देना चाहता है, आपको सब कुछ देना चाहता है। उसके मन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वो आपको बताना चाहता है, और इस बार वह अपना सारा सच तुम्हारे सामने प्रकट कर देगा।
वह तुम्हें बनाए रखने वाला है, तुम्हारे पीछे कोई साजिश नहीं रचेगा, तुम्हें लगेगा कि यह मेरा आदर्श जीवन साथी है, मेरा बच्चा और तुम, वह तुम्हारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने वाला है और धीरे धीरे तुम्हें भी एहसास होगा कि तुमसे भी कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो आप उसे माफ़ कर देंगे। माफ़ी मांगे क्योंकि माफ़ी मांगने से जीवन में नई ऊर्जा की किरण पैदा होती है, क्योंकि माफ़ी ही वो चीज़ है जो इंसान को जीवन जीने में मदद करती है। इसलिए अगर गलती आपकी थी तो भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और अगर गलती आपकी नहीं भी थी तो भी माफ़ी मांगनी चाहिए। आप माफ़ी मांगे क्योंकि माफ़ी मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जीवन और सुखद हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि उसे सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़कर चलने की जरूरत है, उसे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है और किसी की नहीं। वो किसी को नहीं चाहता और ना ही किसी में दिलचस्पी रखता है, वो तो बस तुम्हें चाहता है। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस मैसेज को अपने ग्रुप में शेयर करो और टाइप करो, बदलाव जल्द ही होने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब कुछ जीवन जब व्यवहार होने लगता है तो आपको अपने काम में भी थोड़ा बदलाव करना पड़ता है। जिस तरह पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, उसी तरह आपको अपने काम में बदलाव लाना होगा। तुम्हें अपना रास्ता खुद देखना होगा मेरे बच्चे, क्योंकि एक समय आ रहा है जिसमें मैं स्वयं तुम्हें शक्तियाँ दूंगा और तुम इसका लाभ उठाओगे मेरे बच्चे, और तुम्हें ही इसे सहन करना होगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसे कैसे सहन करना है। जैसे वर्षा ऋतु चली गई है मेरे बच्चों, गर्मी के मौसम के बाद जैसे मौसम में ठंडक पैदा हो रही है, आपके जीवन में खुशियों के बाद फिर दुख पैदा हो रहा है, वैसे ही महादेव जी स्वयं आपके जीवन में आ रहे हैं। एक चमत्कारी परिवर्तन होगा तुम्हारी जिंदगी में, जो होगा उसे तुम खुद महसूस कर पाओगे मेरे बच्चे। आप स्वयं अपने जीवन में बदलाव देखेंगे और आपके जीवन से सभी दुखों का नाश हो जाएगा। आपको बस महादेव जी के निर्देशों का पालन करना है और महादेव जी की बातों पर ध्यान देना है। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं मेरे बच्चे, लेकिन सुबह उठकर अपने घर के काम पर ध्यान दें। जो काम करता है उसे उसका फल मिलता है, इसलिए आपको भी कम करना होगा, और यह कम किसी और का नहीं है। अपने घर का काम खुद करने में क्या दिक्कत है? महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें।